चार बार तो सही बोल दिया लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दी। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू धर्म हेरिटेक और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग वापिस से करने वाले हैं एक क्विज, और आज के क्विज का नाम होगा एनिमल क्विज, जिसमें अपन को एनिमल गेस करने होंगे उनके इमोजी से। सो वापस हम लोग वही वाला गेम खेलने जा रहे हैं, गेस द एनिमल बाय इट्स इमोजी विद माय सिस्टर। सो यहाँ पर है मेरे साथ मेरी सिस्टर। हेलो गाइस, मेरा नाम है इमानी, और कैसे हैं आप सभी लोग? और गाइस, ये मेरी बहन है, और हम लोग वापस करने वाले एनिमल क्विज, और देखते हैं आज का एनिमल क्विज कौन जीतता है। तो वो बातें करने से नहीं, खेलने से होगा। तो जल्दी से अपन अपने एनिमल क्विज को स्टार्ट करें, और ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ है यहाँ पर अपने पास एक आदमी का पैर, और एक तरफ है अपने पास रूट। तो पैर और रूट क्या हो सकता है? पैरेट। पैरेट मैंने बोल दिया, मैंने बोला है गाइस सबके बार। तो यस, सो मेरा हो चुका है यहाँ पर एक पॉइंट। इसका आंसर देख रहे थे, इसका आंसर क्या होता है? और या इसका आंसर अपना एकदम सही है, इसका आंसर अपना पैरेट। सो गाइस, अब सेकंड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर मशीन। अपना सेकंड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पर है अपने पास एक तरफ ई प्लस लीफ प्लस एंट। सो इसका क्या हो सकता है? ई लीफ एंट, ई लीफ एंट, एलिफेंट। एलिफेंट, ओ या एलिफेंट, ई लीफ और एंट, एलिफेंट। ओ या हिमानी, तेरा आंसर एकदम सही है। सो हिमानी, इसका क्या हो सकता है? इसका भैया मेरे को पता है। अच्छा बता क्या हो सकता है? वुल्फ। वुल्फ, यस, इसका आंसर वुल्फ, वूल और एफ वुल्फ। वाह माने, तेरे को तो सारे एनिमल्स पता है अभी तक। तो यहाँ पर तेरे हो चुके हैं 2 पॉइंट्स, और मेरे हो चुके हैं 1 पॉइंट्स। सो 2-1 चल रहा है। सो इसका आंसर भी देख रहे थे इस क्वेश्चन का। सो इसका आंसर है वुल्फ, यानी कि हिमाने ने एकदम सही गेस कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय हमारी स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए। आज जो भी हारेगा, यानी कि अगर मैं हारा तो मेरे को मिलेगा एक बहुत बड़ा एक खतरनाक वाला टंग ट्विस्टर, और अगर हिमाने हारी तो उसको भी मिलेगा एक बहुत ही मजेदार सा टंग ट्विस्टर। तो वो टंग ट्विस्टर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हिमानी, इसका बता अपना क्या हो सकता है? यहाँ पर अपने पास एक तरफ सी, और यहाँ पर अपने पास हॉर्स। सो इसका क्या हो सकता है? सी और हॉर्स, सी हॉर्स, इसका आंसर है सी हॉर्स। सी हॉर्स भी होता है, और तेरे को नहीं पता क्या होता है सी हॉर्स, लेकिन सी हॉर्स भी कुछ होता है। सो इसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। कंप्यूटर महाशय, इसका आंसर दिखाइए प्लीज। या इसका आंसर अपना सी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए। ये क्वेश्चन अपने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और इसका आंसर क्या हो सकता है? मानी मेरे को पता है, एक तरफ है मेरे पास बी, और दूसरी तरफ ईयर। ईयर ही है ना? हाँ ईयर, ईयर ही है, ईयर ही है। सो बी और ईयर मेरे को पता है, इसका तो आसान है, बियर। बियर, बियर, अपन दोनों ने एक साथ बोला है तो अपन दोनों का एक एक पॉइंट। हाँ, इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार, है ना? हाँ। ओ या, इसका आंसर है बियर, तो अपन दोनों का सही है। सो कंप्यूटर महाशय, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और इसका आंसर क्या हो सकता है? एक पैकेट के अंदर बटर है, प्लस यहाँ पर कीड़ा है। ये कौन सा कीड़ा है? ये उड़ रहा है, तो ये फ्लाई है शायद, ये फ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। अरे वाह, अरे यार मानी यार, सारे क्वेश्चन का आंसर तू ही दे रही है यार, मेरे को भी तो बताने दे यार कुछ भी जो जो आपको आ रहे हैं। कंप्यूटर महाशय, इसका आंसर बताइए जल्दी से। बटरफ्लाई, हिमानी तेरा आंसर सही होता हुआ यार। सेवेंथ क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है। यहाँ पर अपने पास एक कोक का कैन है, और यहाँ पर ही क्या सेटिंग का लोगो? नहीं, ये तो गियर होता है ना? हाँ गियर, गियर।
यहाँ पर ओ कैन गेयर ओ कैन गेयर ओ कंगारू गाइस इसका आंसर है कंगारू यस कैंगरू कैंगरू इसका आंसर अपना कैंगरू इसका आंसर भी तो देख लेते हैं ना सर अपना कैंगरू यस अपना एकदम सही होते हुए कंप्यूटर महाशय 8th क्वेश्चन पेश किया जाए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी ये कौन से दे दिया आपने यार ये तो हार्ड लग रहा है यार भैया आपको आ रहा है क्या इसका मेरे को तो नहीं आ रहा नहीं यार रिश्मानी मेरे को भी नहीं आ रहा इसका एक इधर अपन को आरी दी गई है आरी को क्या बोलते हैं शॉ बोलते हैं और यहाँ पर शार्क दी रखी है तो शॉ शार्क नहीं 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 शॉ शार्क तो कुछ होता ही नहीं है यार भैया भैया मैं क्या बोलती हूँ इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अपन हाँ नहीं नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये शॉ शार्क है इसका तो मेरे को शॉ फिश तो नहीं है यार ये लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ शो फिश है या नहीं है चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है आंसर एकदम सही है शो फिश मैं श्योर नहीं था वरना मेरा पॉइंट माना जाता यार वाह भैया आपने तो सही गैस कर लिया नहीं गैस नहीं करा मैं श्योर नहीं था इसका पॉइंट नहीं माना जाएगा और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर अपने पास काले बादल हैं जिसमें से बारिश आ रही है तो बारिश को अपन बोलते हैं रेन और यहाँ पर है एक तरफ नो तो रेन और नो तो बन जाता है अपना रेन और नो को जोड़ के बन जाता है अपना राइनो राइनो मीन्स राइनोसोरस का छोटा नाम राइनो इसका आंसर अपना राइनोसोरस हो सकता है राइनोसोरस और राइनो श्योर हूँ मैं एकदम हिमानी बता तू भी इसका आंसर राइनो हो सकता है ना राइनोसोर का निकनेम है ये राइनो नहीं नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ये डायनासोर है डायनासोर कैसे हो जाएगा नहीं नहीं डायनासोर नहीं ये राइनो ही है इसका आंसर बताइए कंप्यूटर मास्टर मेरा एकदम सही है यार सो गाइस अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि कौन ये खतरनाक वाला टंग ट्विस्टर बोलते हैं और कौन नहीं सो कंप्यूटर मास्टर ये आखिरी क्वेश्चन पेश कीजिए हम दोनों के सामने और क्या टंग ट्विस्टर होगा वो तो वीडियो में ही पता चल जाएगा तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए सो इसका आंसर क्या होगा हिमानी टाई है और ये है गियर सो इसका टाई और गियर इसका आंसर है अपना टाइगर ओ यार इसमें वापस अपन दोनों ने एक साथ बोला तो मतलब दोनों का एक एक पॉइंट सो लगता है ये मैच अपना टाई हो चुका है तो अपन हम दोनों बोलेंगे टंग ट्विस्टर सो ये टंग ट्विस्टर क्या होगा वो अभी पता चल जाएगा आपको लेकिन उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं सो गाइज इसका आंसर अपना टाइगर यानी कि मैंने और हिमानी ने बोला है टंग ट्विस्टर क्या हमने इसका आंसर एकदम सही दे दिया है सो जल्दी से अब मैं चलता हूँ अपने गेम की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ आपको बताता हूँ मेरा टंग ट्विस्टर सो गाइज आज की वीडियो का जो रिजल्ट रहा है वो हुआ है टाई और इस रिजल्ट को टाई तो अपन बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे तो इस रिजल्ट को अपन टाई ना करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है तो मेरे और हिमानी के बीच में होगा एक कंपटीशन और वो कंपटीशन होगा टंग ट्विस्टर का तो हम दोनों बोलेंगे टंग ट्विस्टर 5 times अगर हिमानी ने बिना अटके बिना रुके टंग ट्विस्टर 5 बार बोल दिया तो हिमानी जीत जाएगी और अगर मैंने बोल दिया तो मैं जीत जाऊंगा और वो टंग ट्विस्टर है जो हंसेगा वो फंसेगा जो फंसेगा वो हंसेगा तो सबसे पहले बोलेगी हिमानी तो हिमानी शुरू हो जा जो हंसेगा वो फंसेगा जो फंसेगा वो हंसेगा 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 जो फंसे जो उठा 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 हमारी ने लास्ट में गड़बड़ कर दी 4 बार तो सही बोल दिया लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दी अब मेरी बारी शायद मैं इस मैच को जीत सकता हूँ मैं स्टार्ट करता हूँ जो हंसेगा वो फंसेगा जो फंसेगा वो हंसेगा जो हंसेगा वो फंसेगा जो फंसेगा वो हंसेगा
जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। यस, मैंने बोल दिया है 5 बार, यानी कि मैं इस राउंड को पूरी तरीके से जीत चुका हूँ। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, आपको आया क्या मजा, कैसा लगा आपको ये टंग ट्विस्ट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ लोगों से ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।